हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लकी नंबर्स 11 को। मूवी को देखते समय आपको ऐसा लगेगा ये सब हो क्या रहा है, लेकिन एंड आते आते सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएगी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ऑडियंस ने भी इसे काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार के पास आता है, लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। फिर कोई आकर उसकी डायरी ले लेता है। अगले सीन में दो आदमी अपने साथ किसी को लेकर आते हैं। सामने उनका बॉस था। चेक करने पर उस आदमी के पास कुछ नहीं था, लेकिन तभी वो अपने गॉगल्स में से चाकू निकाल कर उन दोनों को मार देता है, साथ ही उनके बॉस को भी, और उसके भी पास की डायरी ले लेता है। अब अगले सीन में एक लड़का एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में आकर बैठता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। जागने पर उसे अपने सामने व्हीलचेयर पर एक आदमी दिखाई देता है। सबसे पहले वो टाइम और उसका हालचाल पूछता है। वो खुद का नाम स्मिथ बताता है। वो लड़का स्मिथ को पहचानता नहीं था। अब स्मिथ उसे हॉर्स रेस की एक कहानी बताता है। तो 1979 में एक डॉक्टर किसी के कहने पर रेस से पहले एक घोड़े को ड्रग देता है। अब रात में वो डॉक्टर एक कॉल गर्ल के साथ था। अब वो कॉल गर्ल एक बूढ़े आदमी को फोन करके उस घोड़े के बारे में बताती है। अब वो आदमी एक क्लब में अपने दोस्त को उस घोड़े के बारे में बता रहा था कि 10वीं रेस फिक्स है और 7वें नंबर का घोड़ा जीतने वाला है, लेकिन उनकी बातें उनका वेटर भी सुन रहा था। अब वो वेटर अपने भतीजे मैक्स को कॉल करके उस रेस और घोड़े के बारे में बताता है। अब मैक्स को लगता है उसके पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लगी है। अब इस रेस के बाद उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अब अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर कहीं जा रहा था। उसकी एक प्यारी सी वाइफ भी थी, मतलब उसकी एक छोटी सी फैमिली है। अब दोनों बाप बेटे एक स्टेडियम के पास आते हैं। अब कार में मैक्स अपने बेटे से बात करता है। दरअसल मैक्स जुआरी नहीं था, उसे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, इसीलिए वो इस फिक्स रेस में बेट लगा रहा था। अब जाने से पहले मैक्स अपने बेटे को अपनी घड़ी देता है, क्योंकि वो बस उस रेस में पैसे लगाकर 15 मिनट में वापस आ जाएगा। अब 10वीं रेस शुरू होती है और मैक्स ने 7वें नंबर के घोड़े पर बेट लगाई थी। थोड़ी ही देर में वो 7वें नंबर का घोड़ा पहली पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन जीतने के बस कुछ सेकंड पहले ही वो घोड़ा गिरकर मर जाता है, मतलब मैक्स हार गया। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मैक्स बड़ी बेट लगाने के लिए किसी के पास आया था। वो आदमी उसकी बेट लगाने से पहले ही समझाता है जिस बुकी के पास वो बेट लगा रहा है वो बहुत खतरनाक लोग है। अगर वो जीत गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हार गया तो उसे डबल पैसे चुकाने होंगे, लेकिन मैक्स नहीं मानता। अब वो स्टेडियम से बाहर आता है, लेकिन अब वहाँ उसकी कार थी ही नहीं। वो अपने बेटे को पुकारता है क्योंकि वो भी कार में ही था। तभी उसके पास दो आदमी आते हैं। उन्हें पता था उसने फिक्स रेस पर बेट लगाई थी, लेकिन वो उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। जब मैक्स को होश आता है उसे उन लोगों ने बांध रखा था। उन्होंने उस बुकी को भी मार दिया था जिसने उसकी बेट ली थी। वहाँ एक आदमी ने सोने की रिंग पहनी थी और एक के हाथ में शॉटगन थी। मैक्स उनसे बहुत मिन्नतें करता है, वो उनके पैसे चुका देगा, उसकी एक छोटी सी फैमिली है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते। एक आदमी उसके घर पहुँचता है, वही दूसरा आदमी उसके बेटे के साथ था। पहले वाला आदमी उसकी वाइफ के पास जाकर उसे शूट कर देता है। वो लोग मैक्स के गले में प्लास्टिक बांध कर उसे मार देते हैं। वही दूसरा आदमी उसके बेटे को भी शूट कर देता है। अब कहानी एयरपोर्ट पर वापस आती है। उस लड़के को समझ नहीं आता उन लोगों ने मैक्स की फैमिली को क्यों मार दिया। स्मिथ कहता है शहर में एक नया बुकी गैंग आया था, वो चाहते थे अगली बार उनके साथ कोई फिक्स रेस पर बेट ना लगाए। वो मैक्स की फैमिली को मार कर एक एग्जांपल, एक मिसाल बनाना चाहते थे ताकि अगली बार से उनके साथ कोई होशियारी करने के बारे में सोचे भी ना। तभी स्मिथ उसे दूसरी तरफ देखने कहता है, फिर पीछे आकर गर्दन तोड़ कर उसे मार देता है। फिर उसे अपनी ही व्हीलचेयर पर बैठा कर बाहर लेकर आता है। फिर उसे ट्रक में डालकर ले जा लेता है। फिर हम न्यूयॉर्क शहर देखते हैं। एक बिल्डिंग में से दो गार्ड निकलते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरा आदमी निकलता है कोई उसे शूट कर देता है। उन गार्ड्स को समझ नहीं आता गोली कहां से चली, लेकिन ये सीन भी यही कट हो जाता है। फिर हम किसी अपार्टमेंट में एक लड़के स्लेविन को देखते हैं। उसकी नाक पर चोट लगी थी। तभी कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर एक लड़की अंदर आती है। स्लेविन टॉवेल में ही था। कुछ ही सेकंड्स में उस लड़की को रियलाइज होता है वो निक नहीं है। ये निक नाम के लड़के का घर है और निक स्लेविन का दोस्त है। उस लड़की को स्लेविन के बात करने का अंदाज काफी पसंद आता है। वो पूछती है उसके नाक पर चोट कैसे लगी। वो बताता है वो आज सुबह ही न्यूयॉर्क आया है और किसी ने उसे पीट दिया, जो कहीं ना कहीं उसे पता ही था, क्योंकि उसका मानना है
आपके साथ एक साथ तीन गलत चीजें होती है। अब स्लेविन उसे अपनी कहानी बताता है। सबसे पहले उसकी जॉब गई, जब वो घर गया तब उसे पता चला कुछ कानूनी कारणों से उस अपार्टमेंट को गिराया जाने वाला है। वैसे भी वो वहाँ किराए से रहता था। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, उसके पास पहले से चाबी थी इसीलिए वो सीधा अंदर चला गया, लेकिन अंदर जाकर पता चला उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ यामाकाटा कर रही है। अब स्लेविन निक के पास आने एयरपोर्ट आया क्योंकि निक ने उसे न्यूयॉर्क में किसी जॉब के बारे में बताया था। अब न्यूयॉर्क लैंड होने और एटीएम से निकलने के बाद उसने निक के लिए वॉइसमेल छोड़ा, लेकिन तभी उसे एक आदमी ने लूट लिया और उसके नाक पर पंच कर दिया। लेकिन वो कहती है चोर ने उसका बैग और वॉच नहीं लूटे, लेकिन स्लेविन कहता है उसके बैग में सिर्फ कपड़े है और वो वॉच नकली है। अब वो निक के बारे में पूछती है, स्लेविन बताता है उसे निक के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि जब वो यहाँ आया दरवाजा खुला हुआ था और निक घर में नहीं था। स्लेविन उससे उसका नाम पूछता है, उसका नाम लिंजी है और वो इस अपार्टमेंट के ठीक सामने रहती है। वो निक से शुगर मांगने आई थी, तभी वहाँ का फोन बजता है लेकिन सामने वाले ने कॉल रख दिया था, लेकिन लिंजी रीडायल करती है। तब वो फोन किसी होटल में लगता है। लिंजी एक डिटेक्टिव टीवी शो की बहुत बड़ी फैन थी, उसे लगता है निक के साथ कुछ गलत हुआ है और उन्हें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लिंजी बहुत इनोसेंट और मासूम सी लड़की थी, उसे लेट हो रहा था इसीलिए वो चली जाती है। अब जैसे ही स्लेविन अपना टॉवल ठीक करता है वो फिर से अंदर आ जाती है और स्लेविन का शो देख लेती है। दरअसल वो शुगर लेना तो भूल ही गई थी। अब स्लेविन उसे शुगर देता है और लिंजी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर रही थी, लेकिन निक को समझ में आ जाता है वो उसे पसंद करने लगी है। अब लिंजी शुगर लेकर चली जाती है लेकिन तुरंत ही वापस आती है, लेकिन इस बार स्लेविन ने टॉवल उतारा नहीं था। अब स्लेविन उसे 8 बजे मिलने का वादा करता है। अब लिंजी के जाने के बाद फिर से कोई नॉक करता है, लेकिन इस बार 2 आदमी अंदर आते हैं। वो निक को लेने आए थे क्योंकि उनके बॉस ने उसे बुलाया है। स्लेविन उन्हें बताता है वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन वो निक के ही जैसा दिखता है। स्लेविन कहता है लेकिन वो निक नहीं है, वो उससे उसकी आईडी पूछते हैं। अब सबसे मजेदार बात तो ये थी कि आज सुबह ही उसे लूट लिया गया है, लेकिन ये दोनों बेवकूफ उसकी बात ही नहीं मानते। दरअसल जब भी वो किसी को उठाने आते हैं सब उनसे यही बहाने बनाते हैं। स्लेविन उनसे लिंजी से जाकर पूछने कहता है, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया है इस घर में रहने वाले को उठाकर लाओ, इसीलिए किसी के भी कहने पर वो मानने नहीं वाले। अब ज्यादा बोलने से उनमें से एक स्लेविन को पंच करता है, वो कहता है उसकी नाक पहले से टूटी हुई है। तब वो आदमी उसकी नाक पर एक और पंच मार देता है। अब वो स्लेविन को टॉवेल में ही अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें आमने सामने बिल्कुल एक जैसी 2 बिल्डिंग दिखाई जाती है। बिल्डिंग के सामने बहुत सारे गुंडे थे, वो लोग स्लेविन को बिल्डिंग में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस ने भी नजर रखी थी। लिफ्ट में आने पर पता चलता है उस लिफ्ट के ऊपर भी एक आदमी बैठा है जो लिफ्ट में नजर रख रहा है, मतलब इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। अब स्लेविन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आता है जहाँ उन सभी का बॉस है, और मजे की बात उसका नाम भी बॉस ही है। स्लेविन उसे बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने गलत बंदे को उठा लिया, लेकिन वो उसे आगे बोलने ही नहीं देता कि वो निक नहीं है। बॉस बताता है कि उसे $96,000 चुकाने हैं। दरअसल निक को स्लिम नाम के बुकी को $96,000 देने हैं और स्लिम बॉस के लिए काम करता था, इसीलिए अब उसे बॉस को $96,000 देने होंगे। इसीलिए स्लेविन स्लिम को बुलाने कहता है क्योंकि वो बता देगा कि वो निक नहीं है, लेकिन बॉस दिखाता है स्लिम की लाश फ्रीजर में रखी है। ये वही आदमी था जिसे मूवी की शुरुआत में पार्किंग में किसी ने शूट कर दिया था। उसकी लाश देखकर स्लेविन परेशान हो जाता है क्योंकि बस स्लिम ही बता सकता था वो निक नहीं है। अब बॉस पैसों के बदले उसे एक काम करने कहता है। यहाँ पता चलता है मूवी की शुरुआत में बिल्डिंग के सामने जिसे शूट किया गया था वो बॉस का एक लौता बेटा था, और उसे मरवाया है उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले उसके राइवल रबाय ने। रबाय का भी एक बेटा है और रबाय को छोड़कर सबको पता है उसका बेटा गे है। अब बॉस चाहता है उन पैसों के बदले में स्लेविन रबाय के बेटे का खून करे। ये सुनकर स्लेविन थोड़ा घबरा जाता है। वो बॉस से कोई हिटमैन हायर करने कहता है, लेकिन बॉस कहता है वो किसी और को पैसे क्यों दे जबकि ऑलरेडी स्लेविन के ऊपर उसके पैसे है। अब उसके जाने से पहले बॉस उसे धमकी देता है अगर वो पुलिस के पास गया तो वो भी उसकी फ्रिज में होगा। स्लेविन के जाते ही बॉस किसी से कहता है उसने पहले ही रबाय के बेटे को मारने उसे पैसे दे दिए है, फिर उसने निक को ये काम क्यों दिया। तब पता चलता है बॉस स्मिथ से बात कर रहा है। स्मिथ कहता है वो सब संभाल लेगा। स्लेविन के बाहर निकलते ही कोई उसकी फोटोज खींच रहा था, वो सब पुलिस वाले थे जिन्होंने बॉस और रबाय की बिल्डिंग पर नजर रखी थी। अब वो लोग स्लेविन को घर छोड़ देते हैं। स्लेविन सोच रहा था अब वो क्या करे क्योंकि कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा कि वो निक है ही नहीं। उसके घर में आते ही वहाँ लिंजी आती है। दरअसल उसने पता लगा लिया था निक कौन से होटल में रुका है क्योंकि उस होटल में उसकी एक फ्रेंड काम करती है। होटल जाकर उन्हें पता लग सकता है निक कहाँ गया होगा। तब स्लेविन न्यूज
न्यूज़पेपर में उस आदमी की फोटो देखता है जिसे कुछ देर पहले उसने बॉस के फ्रीजर में देखा है। लिंजी उससे पूछती है कि उसने अभी तक टॉवेल क्यों पहन रखा है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही लिंजी के घर का फोन बजता है और वो उसे पिकअप करने भागती है। अब कुछ देर बाद फिर से कोई दरवाजा नॉक करता है, उसे लगता है लिंजी है, लेकिन बाहर दो और बेवकूफ आए थे। अब उसे मतलब निक को किसी स्लोमो ने बुलाया है। अब वो किसी स्लोमो को जानता नहीं था, लेकिन उसके कुछ भी बोलने पर वो स्लेविन को मार कर चुपचाप उसे उनके साथ चलने कहते हैं। अब थोड़ी देर बाद स्लेविन कार में से देखता है वो लोग वापस बॉस की ही बिल्डिंग के पास आए हैं, लेकिन उन्हें बॉस की बिल्डिंग में नहीं बल्कि उसके सामने वाली रबाई की बिल्डिंग में जाना है। वो आदमी बताता है एक समय पर बॉस और रबाई साथ में काम करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अब दोनों एक दूसरे के डर से अपने ही टावर में आइसोलेट रहते हैं। उस बिल्डिंग में आते ही स्लेविन समझ जाता है उन्हें पेंट हाउस में जाना है। वहाँ रिसेप्शन पर बैठे आदमी के पास भी गन थी और उसने भी लिफ्ट में नजर रखी हुई है, मतलब इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। अब ऊपर जाकर स्लेविन रबाई से मिलता है। रबाई उससे कहता है उसे उसके $33,000 देने हैं। स्लेविन कहता है वो निक फिशर नहीं है, बस वो गलत टाइम पर गलत जगह आ गया। लेकिन रबाई उसकी बात नहीं मानता, वो स्लेविन को उसके पैसे वापस करने 48 घंटों का समय देता है। तब तक रबाई के आदमी उस पर नजर रखेंगे। जब स्लेविन उसे कुछ बोलने जाता है तब वो अपनी शॉटगन निकाल लेता है, क्योंकि उसे अब कुछ नहीं सुनना था। स्लेविन निराश होकर चला जाता है। उसके जाते ही रबाई किसी से कहता है उसने उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए है, तो अब उसका काम कब होगा। तब वहाँ से भी स्मिथ निकलता है, वो कहता है उसका काम जल्दी ही हो जाएगा। रबाई पूछता है उसे इस लड़के से क्या चाहिए, मतलब दोनों जगह उसे स्मिथ ने ही फंसाया है। स्मिथ कहता है उसे स्लेविन से अपना कोई पुराना हिसाब चुकाना है। तब रबाई कहता है उसकी पोजीशन पर बैठे लोगों को समझ में आ जाता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसीलिए वो भी समझ गया था वो लड़का मतलब स्लेविन निक नहीं है, लेकिन ये बात स्मिथ को बहुत अच्छे से पता है। अब घर आने पर लिंजी उसे बताती है वो उसके बिना ही उस होटल में चली गई थी जहां निक ने रूम बुक किया था, लेकिन उसने निक नहीं स्मिथ नाम से कमरा लिया है, इसीलिए वो उस कमरे के पास गई। तब उसमें से कोई दूसरा ही आदमी निकला, वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन उसे लगा स्लेविन उसे जानता होगा, इसीलिए लिफ्ट में उसने चालाकी से उसकी फोटो ले ली और वो आदमी स्मिथ ही था जो बॉस और रबाई से मिला हुआ है। लिंजी स्लेविन को स्मिथ की फोटो दिखाती है, लेकिन स्लेविन उसे जानता नहीं था। अब लिंजी आगे बताती है लिफ्ट में से निकलकर उसने स्मिथ का पीछा किया, फिर थोड़ी देर बाद स्मिथ एक बिल्डिंग में गया। तब तक लिंजी उसका बाहर ही वेट करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद स्मिथ नहीं बल्कि स्लेविन बाहर आया। अब लिंजी उससे पूरी कहानी पूछती है, तब स्लेविन उसे शुरुआत से पूरी कहानी बताता है। अब स्लेविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उधार चुकाने के लिए बॉस ने उसे रबाई के बेटे को मारने कहा है, दूसरी तरफ रबाई ने उसे 48 घंटों में $33,000 देने कहा है, और ये स्मिथ कौन है वो उसे नहीं जानता, और सबसे बुरी बात ये सब मुसीबतें उसकी नहीं है क्योंकि वो निक फिशर है ही नहीं, यहाँ तक कि उसने कभी जुआ तक नहीं खेला। लेकिन लिंजी को उसकी स्टोरी से ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगता है कि एक गैंगस्टर का बेटा गे है। अब यहाँ सब लोग उसे निक समझ रहे थे और निक यहाँ है नहीं, इसका मतलब अब वो बुरी तरह फंस गया है और उसे कल सुबह तक बॉस को जवाब भी देना है। अब अगले दिन स्लेविन बॉस के पास जाकर कहता है वो रबाई के बेटे को मारने तैयार है। स्लेविन बॉस से एक हफ्ते का समय मांगता है, लेकिन बॉस उसे उसके साथ चेस खेलने कहता है, अगर वो जीत गया तब ही वो उसे एक हफ्ते का समय देगा। अब बॉस उसे रबाई के बेटे की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, दरअसल उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड होते हैं। वो बॉडीगार्ड इजराइल के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एक्स ऑफिसर्स है, वो हमेशा उसके साथ बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। बॉडीगार्ड और उसके फ्लैट के बीच एक बहुत ही कच्ची दीवार है, साथ ही उसके गले में एक लॉकेट है जिसमें इमरजेंसी बटन लगा हुआ है जिसे प्रेस करते ही गार्ड वहां आकर उसे मार देंगे। स्लेविन कहता है वो उस अपार्टमेंट में कैसे जाएगा, तब बॉस बताता है वो रबाई के बेटे के साथ अफेयर करने का नाटक करे। अब स्लेविन गेम भी हार गया था, अब उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय है, तभी वहां स्मिथ आता है। अब स्लेविन के जाने के बाद बॉस स्मिथ से रबाई के बेटे को मारने का प्लान पूछता है। स्मिथ बताता है जब स्लेविन और रबाई का बेटा आपस में बिजी होंगे तब वो उस अपार्टमेंट में जाएगा और दोनों को ही मार देगा, फिर उनके कपड़े उतार देगा जिससे देखने वाले को ऐसा लगे एक गे कपल ने सुसाइड कर लिया है, फिर वो उस अपार्टमेंट को जला देगा। बॉस को उसका प्लान काफी पसंद आता है। वहीं नीचे पहुंचने पर स्लेविन पुलिस वालों की नजरों में आ गया था, उन्हें स्लेविन के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो इस शहर का है ही नहीं। ऑफिसर ब्रिकोवस्की स्लेविन के बारे में पता लगाने कहता है। थोड़ी देर बाद उस वैन में एक ऑफिसर ब्रिकोवस्की को बताता है एक बहुत ही खतरनाक किलर शहर में आया है, वो लोगों का खून करके गायब हो जाता है, कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है या कहाँ रहता है या उसका नाम क्या है, वो यहाँ स्मिथ
की बात कर रहा था। वही स्लेविन अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, तभी वहाँ लिंजी आती है। दरअसल उसने पता लगा लिया था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। दरअसल वो एक मॉर्ग में काम करती है और वहाँ एक लाश आई थी। वो लाश रबाई के बुकी की थी। दरअसल वहाँ ऑफिसर ब्रिकोवॉस की उस लाश को देखने आया था। उसने ही बताया ये रबाई का बुकी है और 20 साल पहले ऑफिसर ब्रिकोवॉस की उसके लिए ही काम करता था। इसका मतलब साफ है निक कहीं छुपा हुआ है और निक ने उसे इन सब में जानबूझकर फंसाया है। उसे लगता है निक ने उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया, फिर उसने ही उसका वॉलेट चोरी करवाया ताकि उसके पास कोई आईडी ना रहे। फिर उसने बॉस और रबाई के दोनों बुकीज को मार दिया क्योंकि वो दोनों ही जानते थे निक कैसा दिखता है। लेकिन लिंजी और स्लेविन को फिलहाल ये समझ नहीं आया था इन सब से स्मिथ का क्या लेना देना। लिंजी उसे भागने कहती है लेकिन वो भाग नहीं सकता। वो भागा तो भी मरेगा, रुका तो भी मरेगा। वो पुलिस में भी नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग उस पर नजर रख रहे हैं। इन सब पर स्लेविन को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि निक उसका बचपन का दोस्त है। अब लिंजी को वापस जॉब पर जाना था लेकिन जाने से पहले वो स्लेविन को डिनर पर चलने पूछती है। स्लेविन मान जाता है। अब शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। अब यहाँ दोनों में थोड़ी बातें होती है। लिंजी पूछता है वो इसी रेस्टोरेंट में क्यों आया। तब स्लेविन उसे दिखाता है उसके पीछे रबाई का बेटा बैठा है, वो भी यही आया है, उसके साथ बॉडीगार्ड भी है। अब स्लेविन कहता है वो जाकर रबाई के बेटे से बात करेगा। ये आइडिया लिंजी को पसंद नहीं आता लेकिन स्लेविन के पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन वहाँ ऑफिसर ब्रिकोवस्की भी था और उसकी वैन बाहर ही खड़ी थी। ब्रिकोवस्की ने स्लेविन पर ही नजर रखी हुई थी। उसके ऑफिसर बताते हैं उन्हें स्लेविन के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब रबाई का बेटा बाथरूम जाता है, तब स्लेविन उसके पीछे जाता है और उसके पीछे ब्रिकोवस्की भी जाता है और उसके पीछे रबाई के दोनों बॉडीगार्ड भी जाते हैं। लिंजी बहुत परेशान हो रही थी। रबाई के बेटे के पीछे स्लेविन बाथरूम के अंदर चला जाता है लेकिन ब्रिकोवस्की नहीं जा पाता क्योंकि स्लेविन ने दरवाजा लॉक कर लिया था। वहाँ दोनों बॉडीगार्ड भी आते हैं। तब ब्रिकोवस्की उन्हें अपना पुलिस बैज दिखाता है और ये सीन यही कट होता है। अब स्लेविन और लिंजी रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। स्लेविन बताता है उसने रबाई के बेटे से मिलने के लिए पूछा और उसने स्लेविन को डेट पर बुलाया है। तभी स्लेविन छुपकर देखता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। तब वो लिंजी को बताता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम में ऑफिसर ब्रिकोवस्की आया। पहले तो उसे लगा वो गे है लेकिन ब्रिकोवस्की को पता था वो निक नहीं है क्योंकि उसने निक की फोटो देखी है। साथ ही वो पूछता है वो यहाँ कर क्या रहा है लेकिन स्लेविन उसे कुछ नहीं बताता और बाहर आ जाता है। अब थोड़ा घूमने के बाद दोनों अपने अपने घर के सामने आते हैं। अब थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्लेविन लिंजी के अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। अब सुबह स्लेविन कॉफी लेने बाहर जाता है। बाहर निकलते ही उसे सामने रबाई के आदमी दिखाई देते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर वहाँ बॉस के भी आदमी थे लेकिन थोड़ा और आगे जाने पर उसे पुलिस वाले पकड़ कर एक वैन में बैठा लेते हैं। अंदर ब्रिकोवस्की भी था। वो स्लेविन से उसके बारे में पूछता है। स्लेविन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब ब्रिकोवस्की उसे एक पंच मारता है। तब वो बताता है उसका नाम स्लेविन क्लेवरा है। ब्रिकोवस्की उसे धमकी देता है। उसे फिलहाल तो नहीं पता यहाँ चल क्या रहा है लेकिन उसने पता लगा लिया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर वो उसे वैन में से बाहर फेंक देते हैं। अब कुछ देर बाद स्लेविन वापस लिंजी के पास आता है। उसे जगाने से पहले स्लेविन कुछ सोच रहा था। अब कुछ देर बाद लिंजी तैयार होकर अपने काम पर चली जाती है लेकिन उसके जाते ही वहाँ बॉस के आदमी आते हैं। वो दोनों उसके लिए कपड़े लेकर आए थे क्योंकि आज ही उसे रबाई के बेटे के साथ डेट पर जाना है ताकि उसे मार सके। अब दोनों स्लेविन को लेकर चले जाते हैं और बाहर रबाई के दोनों आदमियों को किसी ने मार दिया था। अब स्लेविन घबराते हुए रबाई के बेटे के अपार्टमेंट में जा रहा था। वो उसका ही इंतजार कर रहा था। अंदर आकर स्लेविन घबराते हुए कहता है कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो पूछता है कौन। स्लेविन कहता है मैं और तब ही गन निकाल कर स्लेविन उसे शूट कर देता है। यहाँ स्लेविन के पूरे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो उसकी लाश के पास जाता है लेकिन तभी वहाँ स्मिथ पहुँचता है। स्मिथ अपनी गन उठाता है लेकिन वो स्लेविन को नहीं रबाई के बेटे को शूट करता है क्योंकि वो स्लेविन को शूट करने वाला था। अब यहाँ मूवी का एक सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल स्लेविन और स्मिथ मिले हुए है। फिर स्लेविन बाहर चला जाता है। स्मिथ को कुछ सुनाई देता है। दरअसल दीवार की दूसरी तरफ उसके बॉडीगार्ड है। वही नीचे स्लेविन कार में से किसी की डेड बॉडी निकाल कर ऊपर ला रहा था। ऊपर स्मिथ रबाई के बेटे के गले में लगे लॉकेट का बटन दबाता है और दोनों हाथ में गन लेकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही स्लेविन लाश लेकर ऊपर आता है उस कच्ची दीवार को तोड़कर उसके बॉडीगार्ड आते हैं लेकिन स्मिथ तुरंत ही दोनों को शूट कर देता है। अब स्लेविन उस लाश को रबाई के बेटे के पास रख देता है। तब हम देखते हैं ये वही लड़का है जिसे मूवी की शुरुआत में स्मिथ ने एयरपोर्ट पर मारा था। स्लेविन उसकी घड़ी निकाल कर उसे अपनी घड़ी पहना देता है। अब दोनों बाहर आते
आते हैं और वो अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें अभी तक पता नहीं चला आखिर हो क्या रहा है। फिर हम बॉस की बिल्डिंग को देखते हैं। स्मिथ उसके आदमियों को मारकर बॉस के पास आता है। पहले तो उसे रबाय के बेटे को मारकर स्मिथ का उस अपार्टमेंट को उड़ाना पसंद नहीं आता, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वादे के मुताबिक स्मिथ ने रबाय के बेटे को मार दिया है। वही सामने वाली बिल्डिंग में स्लेविन जाकर रबाय से मिलता है। उसके पास एक सूटकेस था। रबाय को लगता है स्लेविन उसमें पैसे लाया है। रबाय पैसे गिनते हुए अपने आदमियों को आवाज देता है, लेकिन तभी स्लेविन कहता है उसके आदमी मर चुके हैं और उसे मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कार में बैठे उसके आदमियों को स्मिथ ने ही मारा था। अब कुछ देर बाद रबाय को होश आता है। उसे किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। रबाय किसी से कहता है वो मरने के डर से 20 सालों तक अपने ही टावर में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छुपा रहा। उसने अपने ही घर को जेल बना दिया। यहाँ हमें पता चलता है वो बॉस से बात कर रहा है, लेकिन बॉस को भी उसी की तरह वहाँ बांध कर रखा गया है। इस सब का जिम्मेदार रबाय बॉस को ठहराता है क्योंकि बॉस ने ही उसके बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन बॉस कहता है पहले रबाय ने उसके बेटे का मर्डर करवाया। रबाय कहता है उसके बेटे के मर्डर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है उसने हमेशा अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन रबाय ने उनका एग्रीमेंट तोड़कर उसके बेटे को मरवाया, लेकिन उसने भी उसके बेटे को मरवा दिया है। रबाय को अभी तक नहीं पता था उसका बेटा मर चुका है। उसे बॉस की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन बॉस उसे हंसते हुए यकीन दिलाता है उसने रबाय के बेटे को मरवा दिया है। रबाय कहता है वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन तभी वहां स्लेविन आता है। ये बॉस का ही पेंट हाउस है। बॉस उसे निक नाम से बुलाता है, लेकिन स्लेविन कहता है उसने पहले ही कहा है वो निक नहीं है। तब बॉस पूछता है तो आखिर ये निक है कौन। अब यहाँ मूवी का सस्पेंस रिवील होता है और हमें समझ में आता है आखिर मूवी में हो क्या रहा था। स्लेविन बताता है उसे किसी भी तरह उन दोनों तक पहुँचना था, जिसके लिए उसे एक जुआरी की जरूरत थी, और जुआरी का पता चलता है बुकी के पास। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है बॉस के बुकी को स्मिथ ने मारा था और रबाय के बुकी को स्लेविन ने, और दोनों ने उनकी बुक ले ली। स्लेविन को दोनों बुक में एक नाम सेम मिला और वो था निक फिशर। निक दोनों के पास बेट लगाता था और निक वही लड़का था जिसे मूवी की शुरुआत में स्मिथ ने एयरपोर्ट पर मारा था। फिर उन्होंने उसकी लाश को रबाय के बेटे के पास रख दिया। इसका मतलब पुलिस को रबाय के बेटे के साथ असली निक की लाश मिलेगी। और इतना ही नहीं, इन सब की शुरुआत करने के लिए बॉस के बेटे को भी और किसी ने नहीं बल्कि स्लेविन ने ही मारा था। मतलब बॉस हमेशा से गलत फहमी में रहा कि उसके बेटे को रबाय ने मरवाया है। फिर जैसा उन्होंने प्लान किया था, बॉस ने इस काम के लिए स्पेशलिस्ट स्मिथ को फोन किया। अब आखिरी चीज बची थी, तब स्मिथ ने स्लेविन के नाक पर पंच किया। मतलब उसने जो भी कहानी लिंजी को बताई थी वो सब झूठ थी। अब कुछ समय बाद स्मिथ बॉस से मिलने गया। बॉस स्मिथ को बहुत पहले से जानता था। बॉस ने उसे रबाय के बेटे को मारने का काम दिया, लेकिन उसकी शर्त थी ये एक खून नहीं लगना चाहिए ताकि उसका काम भी हो जाए और रबाय ये साबित भी न कर पाए। स्मिथ मान जाता है, लेकिन इसके लिए वो बॉस को उस बुकी की बुक दिखाने कहता है। बॉस के पास उस बुक की कॉपी पहले से थी। अब अपने प्लान को आगे बढ़ाने स्मिथ उस बुक में निक का नाम चुनता है क्योंकि वो बस एक जुआरी है। स्मिथ के ही कहने पर बॉस ने निक को बुलवाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था स्लेविन पहले ही निक की जगह ले चुका है। इसके बाद स्मिथ रबाय के पास गया। रबाय भी स्मिथ को बहुत पहले से जानता है। उसे मनाने के लिए स्मिथ को थोड़ा समय लगा। फिर स्मिथ ने बताया बॉस ने उसे उसके बेटे को मारने बुलाया है। स्मिथ उसके साथ एक डील करता है, वो उसे डबल पैसे दे तब वो उसके बेटे की जगह बॉस को ही मार देगा, जिसके लिए रबाय आसानी से मान गया। साथ ही स्मिथ रबाय से थोड़ी मदद मांगता है। वो कहता है उसे किसी से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। उसका नाम रबाय के बुकी की बुक में भी है। और स्मिथ के कहने पर ही रबाय ने निक मतलब स्लेविन को अपने पास बुलाया और ये सब स्लेविन का ही प्लान था। तब रबाय उसे अपने पास बुलाकर धीरे से कहता है जिसके भी कहने पर वो ये कर रहा है वो उसे छोड़ने की उनसे डबल कीमत देगा। लेकिन स्लेविन कहता है वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, वो ये खुद के लिए कर रहा है। बॉस उससे पूछता है आखिर वो है कौन। वही दूसरी तरफ मॉर्ग में लिंजी और ब्रिकोवॉस्की उन जली हुई बॉडीज के पास थे। तभी ब्रिकोवॉस्की को वॉकी टॉकी पर कोई बताता है उन्हें रबाय के अपार्टमेंट में दो बॉडी और मिली है जो उसके बॉडीगार्ड की होगी। ब्रिकोवॉस्की किसी को रबाय के पास जाकर उसे यहाँ लाने कहता है ताकि वो अपने बेटे की
डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन वो लोग बहुत देर से उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। तब वो किसी को रबाई की बिल्डिंग में जाने कहता है। ये सब सुनकर लिंजी बहुत शॉक थी क्योंकि उसे पता था रबाई के बेटे के घर स्लेविन जाने वाला था। ब्रिकोवस्की के बाहर आते ही लिंजी उस लाश के हाथ में बंधी घड़ी देखती है। उसे याद आता है ये स्लेविन की ही घड़ी है। उसे लगता है ये स्लेविन की ही लाश है। तभी वहाँ स्मिथ आता है और लिंजी को शूट कर देता है और बेचारी लिंजी मारी जाती है। वही बाहर निकलते ही ब्रिकोवस्की को एक ऑफिसर का कॉल आता है। दरअसल उसने स्लेविन के बारे में पता लगा लिया था। अब वो ब्रिकोवस्की को स्लेविन के बारे में बताना शुरू करता है। वही दूसरी तरफ स्लेविन उन दोनों को बताता है ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो ये कहानी शुरू हुई सन 1979 मैक्स से। मैक्स वही आदमी है जिसकी कहानी मूवी की शुरुआत में स्मिथ ने निक को सुनाई थी। मैक्स ने रोथ नाम के बुकी के पास बेट लगाई थी और रोथ बॉस और रबाई के लिए काम करता था। मतलब मैक्स को जिन दो आदमियों ने मारा था वो दोनों बॉस और रबाई ही थे। वो पुलिस वाला बताता है उन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था और लोगों के सामने मिसाल पेश करने के लिए उन्होंने सभी को मार दिया। मैक्स, उसकी वाइफ और उसके बेटे को, उस बुकी रोथ को, यहाँ तक कि उन्होंने उस घोड़े को तक नहीं छोड़ा। लेकिन मैक्स के बेटे को कोई मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक बच्चा था। इसीलिए उन्होंने बच्चे को मारने एक स्पेशलिस्ट को बुलवाया और वो स्पेशलिस्ट और कोई नहीं बल्कि स्मिथ था। ये सब सुनकर ब्रिकोवस्की थोड़ा परेशान हो रहा था लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि स्मिथ भी उस बच्चे को मार नहीं पाया और वही बच्चा मतलब मैक्स का बेटा स्लेविन है। ये जानकर दोनों एकदम शॉक थे। दोनों को तो यकीन ही नहीं होता क्योंकि स्मिथ ने उन्हें बताया था उसने बच्चे को मार दिया है। लेकिन स्मिथ उसे अपने साथ ले गया और उसे भी अपने जैसा बनाया। वो पुलिस वाला ब्रिकोवस्की को बताता है वो जो घोड़ा उस दिन रेस में मरा था उसका नाम लकी नंबर स्लेविन था। ब्रिकोवस्की को याद आता है इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था कि उसका नाम स्लेविन है। ब्रिकोवस्की भी समझ जाता है मैक्स का बेटा स्लेविन ही है। अब स्लेविन उनके पास प्लास्टिक और टेप लेकर आता है। तब उन्हें याद आता है उन्होंने मैक्स के बाप को ऐसे ही प्लास्टिक में दम घोट कर मारा था। तब मैक्स उनसे मिन्नतें कर रहा था उसकी फैमिली और उसका एक बेटा है लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। उन्हें प्लास्टिक पहनाकर स्लेविन मतलब हेनरी कहता है उन्होंने उससे उन सबको छीन लिया जिनसे वो प्यार करता था। फिर उन्हें गाली देकर दोनों के गर्दन में टेप लगाकर प्लास्टिक को टाइट कर देता है जिससे उन दोनों का दम घुटने लगता है। वही इस तरफ वो ऑफिसर ब्रिकोवस्की को बताता है स्लेविन नाम का कोई लड़का नहीं है। इसका मतलब उसने जानबूझकर खुद का नाम स्लेविन रखा क्योंकि जिस तरह उन्होंने लकी नंबर स्लेविन नाम के घोड़े की वजह से उसके बाप को मारा था उसी तरह स्लेविन नाम की वजह से अब वो दोनों मरेंगे। तभी हम देखते हैं उसकी कार में पहले से स्लेविन छुपा हुआ है। वो ऑफिसर ब्रिकोवस्की को बताता है उसने अपना नाम स्लेविन क्लेवरा बताया था और क्लेवरा हिब्रू वर्ड है। तभी उस पर गन तान कर स्लेविन कहता है क्लेवरा का मतलब है मैड डॉग। तब हमें पता चलता है उसकी माँ को और किसी ने नहीं बल्कि ब्रिकोवस्की ने ही मारा था। आपको याद है उसने लिंजी को बताया था कि रबाई का बुकी एक समय उसका भी बुकी था। दरअसल उस समय ब्रिकोवस्की बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया था। तब अपना कर्ज उतारने के लिए बॉस और रबाई ने उसे मैक्स की वाइफ को मारने कहा और उसने उसे मार भी दिया। तभी स्लेविन ब्रिकोवस्की को शूट कर देता है। वही दूसरी तरफ बॉस और रबाई भी दम घुटने से धीरे धीरे मर जाते हैं। मतलब स्लेविन ने अपना बदला ले लिया। अब स्लेविन एयरपोर्ट पर बैठा था ठीक उस जगह जहां मूवी की शुरुआत में निक था। तभी वहां लिंजी आती है और स्लेविन जाकर उसे गले मिलता है। अब हमें यहां एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जब सुबह स्लेविन कॉफी लेकर वापस आया उसे पता था लिंजी ने उसकी फोटो खींच ली है। इसका मतलब सिंपल था अब लिंजी को मरना होगा और स्लेविन भी बिना हिचकिचाए तैयार हो जाता है। लेकिन अंदर जाकर उसने बहुत सोचा फिर उसने लिंजी को सब सच बता दिया। उसे पता था स्मिथ उसे मारने आएगा। उसे ये भी पता था स्मिथ उसे कहां शूट कर सकता है। इसीलिए लिंजी ने पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट और नकली खून लगा रखा था। इसका मतलब उसने स्मिथ को भी चकमा दिया क्योंकि वो लिंजी से प्यार करने लगा है। लेकिन बाप बाप होता है। तभी स्लेविन देखता है लिंजी के पीछे स्मिथ खड़ा है और वो काफी नाराज भी है। लिंजी भी उसे देखकर घबरा जाती है। स्लेविन उसके पास जाकर पूछता है उसने उन्हें ढूंढा कैसे। तब स्मिथ कहता है शायद वो भूल गया वो वर्ल्ड क्लास असैसिन है। स्मिथ को उसके प्लान के बारे में पहले से पता था और वो उन दोनों के प्यार को समझता भी है। वो बस उसके डैड की वॉच उसे देने आया था जो उन्होंने निक को पहनाई थी। ये उसे उसके डैड ने तब दी थी जब वो उसे कार में छोड़कर गए थे। तब उसे पता नहीं था वो अपने डैड से आखिरी बार मिला
मिल रहा है। अब स्मिथ उन दोनों को छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो और मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।